Hey guys, my name is Zay, welcome back to JP Studio. तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको कौन सी एडिटिंग बताने वाला हूँ वो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता लग ही गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को देख लो। Welcome to PUBG Mobile. चल गाइस, इस वीडियो को मैंने घर में ही शूट किया था क्योंकि आपको पता ही है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर शूट तो कर नहीं सकते। तो वीडियो को कैसे शूट करना है वो भी घर में और वीडियो को एडिट कैसे करना है सब आपको इस एपिसोड में पता लग जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना क्योंकि दोस्तों हम लोग इसी तरह के कॉन्टेंट डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, वीडियो को कैसे शूट करना है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने ग्रीन स्क्रीन का यूज किया है वीडियो शूटिंग में। तो अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आपको सिंपली कोई भी कलर का प्लेन कपड़ा ले लेना है या फिर चद्दर ले लेनी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे जो कलर की चद्दर है ना वो कलर के कपड़े आपको नहीं पहने, फिर बाकी का दोस्तों हम एडिटिंग में संभाल लेंगे। और दोस्तों एक्टिंग क्या करनी है यहाँ पे, दोस्तों मैंने जो एक्टिंग की वो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको और अच्छा आता है और क्रिएटिव आता हो या फिर पबजी का डांस आता है तो आप वो भी कर सकते हो क्योंकि दोस्तों ये सब टिकटॉक पे बहुत ट्रेंड चल रहा है। आप इस तरह की एडिटिंग करके वायरल हो सकते हो टिकटॉक पे। सो आई होप दोस्तों आपको शूटिंग कैसे करना है और एक्टिंग कैसे करना है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें कमेंट करके बताओ या फिर मुझे आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पर भी रिप्लाई देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो एडिटिंग देख लेते हैं। वेलकम टू PUBG Mobile। चल तो दोस्तों सबसे पहले हमें पबजी ओपन कर लेना है, क्लासिक मैच स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे जब मैच स्टार्ट होने वाला हो तब हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। सिंपली आपको कोई भी जगह खड़े रहना है और रिकॉर्ड होने देना है स्क्रीन को। ये चीज आप गेम प्ले के अंदर भी कर सकते हो, इसमें एक्टिंग थोड़ी अलग होगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा क्रिएटिव बनाते हो। और दोस्तों गेम प्ले लेआउट है उसके ओपेसिटी हमें 0 कर लेनी है और गेम प्ले रिकॉर्डिंग के लिए आपके फोन में जो भी इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। मैं आपको कोई भी अच्छे वाले स्क्रीन रिकॉर्डर की लिंक प्रोवाइड कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। सो गाइस, एडिटिंग के लिए काइनमास्टर को ओपन कर लेना है और स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है काइनमास्टर के टाइमलाइन पे। वीडियो आ जाने के बाद उसका ऑडियो म्यूट कर लेना है और सीजर पे क्लिक करके उसे बहुत ही अच्छे से ट्रिम कर लेना है। अब हमें वीडियो पे क्लिक कर लेना है और सेकेंड ऑप्शन पैन एंड जूम में चले जाना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को इक्वल कर लेना है, फिर वीडियो स्क्रीन पे डबल टैप करना है, इससे आपका वीडियो फुटेज फिट टू स्क्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक हिडन ट्रिक है काइनमास्टर की, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही ट्रिक्स हम लोग वीडियो के थ्रू देते रहते हैं। अब हमें लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो फुटेज को इंपोर्ट कर लेना है जो आपने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया था। फिर दोस्तों हमें क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और उसे अच्छे से क्रॉप कर लेना है। क्रॉपिंग हो जाने के बाद हमें क्रोमा की में चले जाना है और ग्रीन पार्ट रिमूव कर लेना है। क्रोमा की अनेबल करोगे तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन पार्ट डिटेक्ट कर लेगा और ग्रीन एरिया निकल जाएगा। अगर दोस्तों आपके वीडियो फुटेज में ग्रीन पार्ट अच्छे से नहीं निकलता तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और उससे भी सेट नहीं हो पा रहा तो दोस्तों ग्रीन कलर पे क्लिक कर लो और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ग्रीन कलर अच्छे से चूज करना पड़ेगा और दोस्तों ये सेटिंग्स जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो आपको भी ट्राई करनी पड़ेगी। अगर आप 2-5 मिनट क्रोमा की में निकालोगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रीन पार्ट निकल जाएगा। दोस्तों ये सारी हिडन ट्रिक्स है काइनमास्टर की क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ग्रीन एरिया निकाल नहीं पाते वीडियो में, तो मैं यहाँ पे ये सारे ट्रिक शेयर करते रहता हूँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो दोस्तों मेरा जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो फुटेज है वो मैंने सनलाइट में शूट किया था, तो यहाँ पे धूप ज़्यादा है और जो बैकग्राउंड गेम प्ले है पबजी का
वो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो दोस्तों ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे जो लेयर वीडियो फुटेज है उस पर क्लिक करूँगा, फिर मैं एडजस्टमेंट में चले जाऊँगा और यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टेम्परेचर थोड़ा प्लस में ले जाऊँगा, जिससे ये ब्लूइश हो जाएगा और ये अच्छे से बैकग्राउंड से मैच कर लेगा। अब हमारी काइनमास्टर में एडिटिंग कम्प्लीट हो जाती है। सिंपली हमें कोई भी एक म्यूज़िक अच्छा सा ले लेना है, जो भी ट्रेंडिंग में चलता है वही म्यूज़िक लेना है। आप टिकटॉक से डाउनलोड कर लो, या फिर दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो मीडिया पे क्लिक करो और उस वीडियो को इंपोर्ट कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो म्यूजिक वीडियो है, उस वीडियो में से आप ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो आ जाने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर लेना है, जिससे जो ऑडियो होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपके वीडियो में आ जाएगा। फिर दोस्तों वीडियो हो जाने के बाद हमें शेयर कर लेना है और इसे हाई बिट रेट पे सेव करना है। दोस्तों अभी तक हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों काइनमास्टर में अभी तक अच्छे से कलर एडजस्टमेंट नहीं होता, कलर फिल्टर्स नहीं होते और इफेक्ट्स नहीं लगते। तो इसके लिए मैं वीवा कट एप्लीकेशन का यूज करूंगा, जिससे मैं वीडियो फुटेज को अच्छे से रिटच कर पाऊंगा। तो दोस्तों काइनमास्टर और वीवा कट दोनों ही मोड वर्जन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, आप चेकआउट कर लेना। क्योंकि दोस्तों दोनों ही एप्लीकेशन मोड वर्जन है, कोई भी पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे, सिंपली आपको डाउनलोड करके यूज करना है। सो गाइस, अब मैं काइनमास्टर वाले वीडियो फुटेज को इंपोर्ट कर लूंगा ये वीवा कट एप्लीकेशन में। यहाँ पे दोस्तों एडजस्ट पे क्लिक कर लेना है, फिर हमें ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को आपके फुटेज के हिसाब से इंक्रीज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा माइनस में कर लूँगा, पर मैं टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेता हूँ, शार्पन को 10 के अंदर ही रखना है तो यहाँ पर मैं 5 कर लेता हूँ, हाइलाइट्स को आपके फुटेज के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ, फिर दोस्तों शैडो को मैं प्लस के साइड ले जाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप पे डिपेंड करता है विग्निटी आप माइनस में रखो या प्लस में रखो। कलर एडजस्टमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं कलर फिल्टर्स लगाऊंगा, ये फिल्टर मेरा फेवरेट है ये एप्लीकेशन में, बहुत ही कमाल का ये फिल्टर है, तो मैं हर बार यही चूज करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहूंगा। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं VFX लगाऊंगा। दोस्तों ये VFX इफेक्ट्स है जो टिकटॉक में हमें मिलती है। दोस्तों अगर आप टिकटॉक में अपलोड करते वक्त वो VFX वहां से लगाते हो ना, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अगर आप ये एप्लीकेशन में अच्छे से सेट कर लोगे इफेक्ट सारी पहले से ही, फिर आप टिकटॉक में अपलोड कर लोगे, तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आएगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहेगी। अगर आप टिकटॉक में करोगे ना, तो आपकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी वीडियो की। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो हो जाने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है 1080p HD में, इतने में ही आपकी वीडियो बहुत ही अच्छे से एडिट हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके हमारे इसी तरह के क्रिएटिव कंटेंट देखते रहना, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसी तरह के कंटेंट डालते रहते हैं। तो स्क्रीन पे दिखाए गए वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इस वीडियो को देखो। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।